नमस्कार। इस वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं ये बोलता हूँ कि मेरा जो डेटा क्लीनिंग के 10 रूल वाला वीडियो है, अगर वो आपने देखा नहीं है तो पहले देख लीजिए, वो देखने से आपको काफ़ी फायदा होगा। इस बार हम देखेंगे रूल 6 और 8 का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? दो लेवल्स है, एक लेवल है एसेट्स लायबिलिटी स्पाइसेस और नीचे दूसरा कैटेगरी है कैटेगरी सब कैटेगरी। ऊपर से उसमें सब टोटल भी है, नीचे ग्रैंड टोटल भी होगा। प्रॉब्लम ऐसे में एक्चुअली हमको क्या चाहिए? फाइनली 3 कॉलम में अच्छा डेटा चाहिए, कैटेगरी सब कैटेगरी और अमाउंट। ये कैसे करेंगे वो हम देखेंगे पावर बीआई से। इस वाले में सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम 2 अलग कॉलम में तो डेटा है। पहले में स्पेसेस था, इसमें अलग कॉलम्स है। इनको नाम दिया है हमने, टेबल को नाम है प्रॉब्लम 68 और प्रॉब्लम 8। अभी इनको जाके क्लीन करेंगे। दूसरी चीज है, जब हम पहले टेबल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसी में दूसरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो पावर बीआई में जाते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करेंगे, प्रॉब्लम 68 वाला जो टेबल है उसको चूज करेंगे। डेटा तो क्लीन नहीं है, क्लीन करना है, इसके लिए ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, पावर क्वेरी में डेटा खुलेगा। अभी इसको क्लीन कैसे करना है आगे देखते हैं। अगर आपको पावर क्वेरी अच्छा लग रहा है तो समझिए कि ये एक्सेल में भी है, एक्सेल 16 में गेट एंड ट्रांसफॉर्म में मिलता है। अगर पुराना एक्सेल है कोई टेंशन नहीं, पावर क्वेरी बोल के एक एड इन भी आता है जो आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो अलग मेनू आएगा पावर क्वेरी बोल के, उसमें सिमिलर ऑप्शंस है। तो अभी वापस डेटा की तरफ आते हैं, उनको करना क्या है, इसको क्लीन करना है। अभी इस तरफ जो भी हम स्टेप्स लेंगे वो दिखते रहते हैं पावर बीआई में। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो व्यू में जाके क्वेरी सेटिंग एनेबल कर दो। दूसरी एक चीज है, जो भी हम करते हैं उसका एक फॉर्मूला जैसा बनता है, वो फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा है वो भी व्यू मेनू में फॉर्मूला बार सिलेक्ट करने से आ जाएगा। अभी करना क्या है हमको, ये जो टोटल्स है पहले निकालते हैं। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एक रो पे और बोलेंगे इसमें जो नहीं है उनको रखना है, जिसमें टोटल नहीं है उसको रखना है। उसने एक ही निकाला रो, बाकी तो ऐसे ही क्यों रखे, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ने उसमें पूरा सेंटेंस लिया टोटल एसेट्स, तो सिर्फ टोटल ये वर्ड रखते हैं, एसेट्स निकाल देते हैं। अभी एंटर दबाएं तो काम हो गया। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हम आइटम कॉलम को 2 अलग कॉलम में डालेंगे, कैटेगरी और सब कैटेगरी। कैटेगरी डायरेक्टली चालू होता है, सब कैटेगरी के पहले 3 स्पेसेस है। इस बार 3 स्पेसेस है, कभी कभी 6 भी हो सकते हैं, जो आपके हिसाब से है वो आप ले लीजिए। कैसे डालेंगे नया कॉलम, ऐड कॉलम कंडीशनल कॉलम, उसको नाम देना पड़ेगा क्योंकि नया कॉलम है। हम इस कॉलम को बोलेंगे कैटेगरी। ये कंडीशन क्या है, आइटम। आइटम में क्या करना है, इन कैटेगरी वो स्पेस से चालू नहीं होना चाहिए, सो डज नॉट बिगिन विद स्पेस, क्योंकि एसेट लायबिलिटी स्पाइसेस में स्पेस नहीं है। अगर वैसा है तो क्या डालना है, जो एक्चुअल नाम है आइटम कॉलम में
वो डालना है। हो गया। अगर नहीं है तो क्या करना है? कुछ नहीं, उसको एम्प्टी रखना है। एम्प्टी का मतलब होता है नल। तो ये करने से क्या हो गया, जहां एम्प्टी था उधर नल ऐसे लिख के आया। कुछ नहीं मीन्स नल, ठीक है। और एक डालेंगे सब कैटेगरी। इसको क्या करना है, हमको देखना है कि वो तीन स्पेसेस से चालू होता है कि नहीं। एक स्पेस डाल के भी चलता था, लेकिन तीन क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये सिंपल है। रियल लाइफ में दो तीन लेवल हो सकते हैं, कोई तीन से चालू हो रहा है, कोई पांच से, इसलिए प्रिसाइज डालना ज्यादा अच्छा है। वापस करना क्या है, आइटम ही डालना है, अगर नहीं मिला तो नल रखना है। ये उल्टा हो गया। सो अभी देखिए अपना जो दूसरा टेबल था एट वाला, प्रॉब्लम एट वाला, उसमें ये स्टेज पे हम थे। सो अगर आपका डेटा वैसे वाला है तो यहां से चालू करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, दो अलग कॉलम तो बन गए, अभी कैटेगरी और सब कैटेगरी है। अब क्या करना है हमको, कैटेगरी में जहां एम्प्टी है वहां फिल डाउन करना है। उससे क्या होगा, एम्प्टी चीज भर गया। वो एबीसी 1 2 3 का मतलब क्या है, एनी वैसा रखना अच्छा नहीं है, ये टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट। अभी सब कैटेगरी में क्या करना है, जहां नल है वहां फिल नहीं करना है, उसको भर के क्या फायदा, वो पूरा रो ही एम्प्टी है, उधर नंबर ही नहीं है, तो ये वाले रो निकालने हैं। तो उस सेल पे राइट क्लिक करना है, सब कैटेगरी कॉलम पे नहीं, सेल के अंदर राइट क्लिक करके बोलना है कि ऐसे वाला नहीं चाहिए, सो डज नॉट इक्वल। हो गया। अभी इसको भी टेक्स्ट बना देते हैं, ये ओरिजिनल आइटम की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसको हटा देंगे। और क्या हो गया, हमारा डेटा अभी क्लीन हो गया। तो इस तरह से हायरार्किकल जो डेटा रहेगा, कैटेगरी सब कैटेगरी सब टोटल वाला, उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। ऐसे और भी डेटा क्लीनअप के वीडियो मैं बना रहा हूं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। शुक्रिया।